शहर की सभी महिलाओं को सूचित किया जाता है कि इस रिपब्लिक डे के शुभ अवसर पर हमारे थाना के परिसर में एक बहुत बढ़िया कार्यक्रम होने वाला है, जिसका प्रचारण सीधा टीवी पर किया जाएगा। आपसे निवेदन है, आप आए और थाने का शोभा बढ़ाए। यहाँ चाय पियेंगे पुष्पा जी, यहाँ रोकिए आप इधर। थोड़ा और जोर से मार लेती तो घर ही पहुंच जाते। सही है? का सही है? नहीं मतलब चीखने चिल्लाने वाले काम आप कितना अच्छे से कर लेती। चाय रुक। वैसे अभी भी लाउडस्पीकर की क्या जरूरत थी? भगवान ने आपके गले में लाउडस्पीकर फिट करके भेजा ही है। अच्छा पुष्पा जी, जब तक आप हमको सुना नहीं लेंगी तब तक आपका दिन कैसे बनेगा? प्रलय आ जाएगा ना आपके जीवन में। पूरा दुनिया जानता है कि लाउडस्पीकर किसके गले में फिट है। जब पौवा लगाती है ना आप रात को छत पे चढ़ के पूरे मोहल्ले को जो सुनाती है, जब आप हमारे घर वालों को याद कर रही होती है सब सुनते हैं। मैं हमको नहीं चाहिए। बट दांत निकाल रहा है। और आप कौन सा कम है? सहारनपुर वाली बुआ की शादी में आपने क्या किया था? आपने भी तो वहाँ टंकी पे चढ़ के हमारे खानदान के माँ बहनों को मिलवाया था आपस में। हाँ, आप कौन सा कम कहर डालती है? हमको बहस करना ही नहीं आपसे। तो हमको भी कहाँ आपके साथ बहस करनी है? आपको कुछ काम दिया था हमने, उर्मिला के लिए वो स्पीच रेडी करना था उर्दू वाला, वो हुआ आपसे? हाँ तो दिखाइए फिर, सुनाइए ना। चाय तो पी लेने दीजिए। सभी मुआजिज मोहसिन हजरत का, हम ऐसे जो हसीना मलिक तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। एक मिनट, क्या हुआ भाई? जाइए काम कीजिए, अपना काम कीजिए ना। अब किसके गले में लाउड स्पीकर है? आराम से ना। पढ़ रहे ना तो थोड़ा पढ़िए। आज की इस पुरकशिश पुर असर पुर नूर शाम में आप सबका खैर मकदम है। यकीन जानिए आप सबको यहाँ देखकर ऐसी सुहानी खुशी महसूस हो रही है कि हम क्या क्या ये स्पीच तो है, लेकिन ये कौन कौन लिख के दिया आपको ये इतना भारी भारी उर्दू? कौन? अब्दुल, वो पेंटर? हाँ, इसकी मैया का। वो बीच बीच में शायरी भी करता है ना, तो हमने सोचा बच्चे से लिखवा लेते हैं थोड़ा सा। इतना भारी भारी उर्दू जो हसीना मैडम खुद नहीं बोली है वो वड़ा पाव वाले बोल जाएगी। हाँ तो कुछ हल्का फुल्का उर्दू समझ रही है? मैडम सर जैसा बोलती थी वैसा स्पीच लिखवाइए। जब वो बोलती थी ना तो उनका बात एकदम दिल में उतरता था, वैसा कुछ होना चाहिए ना पुष्पा जी? हाँ, कोशिश करते हैं। क्या महिलाएं आजाद है? नहीं, चल रहा है ये सब? लड़की होके तुम ये सब चिपका रही हो काहे? क्योंकि यही सच है मैम। नाम क्या है तुम्हारा? पल्लवी शर्मा। पढ़ी लिखी लड़की लग रही हो तुम। तुमको तो पता होना चाहिए पूरी तरह आजाद और आत्मनिर्भर रहने के अधिकार दिए हैं हमें हमारे संविधान ने। यही तो, लेडीज को इतने सारे अधिकार दे के रखे हैं। एक खूबसूरत लेडीज की खूबसूरती की तारीफ भी नहीं कर सकते, अगर कर दिया तो डर लगता है कि ये कानून कहीं तारीफ के इल्जाम में हमारी तशरीफ ना सुझा दे। माँ, पहले मुझे भी ऐसा लगता था माँ, मैं भी मानती थी कि हमारे देश में औरतों का बहुत सम्मान किया जाता है। हमारे लिए ऐसे कानून बनाए गए जिससे हमें बहुत सुरक्षित एहसास दिलाया जाता है। मैं तो कॉलेज में औरतों के अधिकारों के लिए लड़कियों को मोटिवेट किया करती थी, लेकिन फिर एक दिन मेरी बोलती बंद हो गई। ऐसा क्या हुआ तुम्हारे साथ? सोल्ड फॉर 48,000।
ऐप के बारे में मैं जानती हूँ। इस ऐप में इलीगली औरतों की नीलामी होती है और इस ऐप का नाम बोलती बंद ऐप है ना? बोलती बंद ऐप? अम्मा ये कौन सा ऐप है? एक मिनट, ये देखिए मैडम, पिछले कई महीनों से ये जो ऐप है इंटरनेट पे काफी वायरल चल रहा है। इसमें देश भर की किसी भी लड़की के सोशल अकाउंट से उसकी फोटो ली जाती है और इस साइट पे डाली जाती है, फिर दुनिया में कोई भी कहां भी बैठा हो वहां बैठा बैठा इस लड़की की फोटो पर बोली लगा सकता है। और ये ऐप सिर्फ और सिर्फ ऐसी घटिया मस्ती के लिए यूज होता है मैडम, और उस बेचारी लड़की को पता भी नहीं होता है कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे उसकी इज्जत के साथ इतना बड़ा, इतना भद्दा, इतना घटिया मजाक हो रहा है। हम सोच भी नहीं पा रहे संतू जी की जब इतना घटिया और ओछा हरकत के बारे में वो लड़की को या उसके परिवार वाले लोग को पता चलता होगा तो क्या गुजरता होगा उन लोग पर। कौन टोपा इंसान है वो जिसने ये सब घटिया ऐप बनाया है? कौन है वो संतू, हमको बताओ। कोई नहीं जानता मैडम, क्योंकि सभी स्टेट की पुलिस और साइबर डिपार्टमेंट जो है ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि एग्जैक्टली ऐप बनाया किसने है, लेकिन अब तक शायद कुछ भी पता नहीं चला है। हाँ, लेकिन ये जरूर पता चला है साइबर पुलिस से कि ये ऐप जो है वो इंडिया से ही ऑपरेट हो रहा है। इनफैक्ट हमारे शहर लखनऊ से इसे कोई चला रहा है। तो फिर साइबर डिपार्टमेंट ये ऐसा घटिया ऐप इंटरनेट से हटा क्यों नहीं देता? नहीं पुष्पा जी, आपको ऐसा लगता है कि उन्होंने कोशिश नहीं की होगी? उन्होंने डेफिनेटली कोशिश की है, लेकिन जितने बार इंटरनेट से वो ऐप को डिलीट किया गया है उतने ही बार कोई उसे दोबारा अपलोड कर देता है। उसे कानून का कोई डर है ही नहीं, क्योंकि वो जानता है कि पुलिस उस तक पहुंच नहीं सकती इजीली। इसीलिए वो हर बार इस ऐप को डाउनलोड करके पुलिस को ये बताना चाहता है कि हम उसका ऐप बंद नहीं कर सकते। और पुष्पा जी, उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि पहले वो महीने में सिर्फ 2 या 3 फोटो अपलोड करता था, लेकिन अब वो हर रोज फोटो अपलोड करता है। जैसे हमारी फोटो अपलोड कर दी। की मैया की सासू मैया, खोद कर निकालेंगे हम इस टोपा इंसान को, तुमको बता रहे हैं हम बारात निकालेंगे पूरे लखनऊ शहर में। हिम्मत कैसे हुआ ऐसा घटिया हरकत करने का? नहीं मैडम, ये केस हमारे थाने का नहीं, ये केस साइबर डिपार्टमेंट का है। वो कोशिश कर रहे हैं ना, आई एम श्योर वो बहुत जल्दी ढूंढ निकालेंगे कि ऐप किसने बनाया है, क्योंकि साइबर डिपार्टमेंट के खुद के सोर्सेज है, खुद का तरीका है इस तरह के क्रिमिनल्स को टैकल करने का। लेकिन अगर होना होता तो अब तक वो क्रिमिनल अरेस्ट हो जाता। सारी दुनिया की साइबर पुलिस उसका अब तक पता नहीं लगा पाई। आपको लगता है कि मुझे इन पर अभी भरोसा होगा? मुझे इसी सच के साथ जीना होगा कि मुझे कभी जस्टिस नहीं मिलेगा। काहे नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा जस्टिस, तुम ऐसा बिल्कुल मत सोचो। हम तुमको बता रहे हैं हम सब तुम्हारे साथ है, पुलिस तुम्हारे साथ है और साथ रहेगी। और साइबर वाले भी हाथ में हाथ धरे बैठे नहीं होंगे, कुछ ना कुछ जांच पड़ताल कर रहे होंगे उस कमीने तक पहुंचने का। तुमको इंसाफ मिलेगा, हम दिलवाएंगे तुमको इंसाफ। और ये करिश्मा सिंह का वादा, और ये पूरा शहर जानता है करिश्मा सिंह अपने वादा का कितना पक्की है। भैया पान मिलेगा? चलिया। सर छल तो हम रहे हैं अपनी टीम को। सर माफ कीजिए, लेकिन हम थक चुके हैं झूठ बोल बोल के, नाटक कर करके, अपनी ही टीम पर शक करके। सर प्लीज जितनी जल्दी हो सके हमें इस जिम्मेदारी से फ्री कीजिए और हमें हमारी पुरानी पहचान वापस दीजिए। सर मैं ऐसे नहीं कर सकता हसीना मलिक, जब तक हम उस गद्दार तक पहुँच नहीं जाते मैं तुम्हें इस जिम्मेदारी से आजाद नहीं कर सकता। ठीक है सर, कब तक और करना होगा ये? मेरे ख्याल से हम उस शख्स तक बहुत जल्दी पहुंचने वाले हैं। इंटेलिजेंस को 26 जनवरी तक उस शख्स के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी जिसने मीरा को ओवरराइड करके तुम पर जानलेवा हमला करवाया ताकि हार्ड डिस्क हासिल कर सके। तब तक हमें ड्रामा करते रहना होगा। ठीक है सर। पान खाओ। माफ कीजिए सर, हम पान नहीं खाते। उर्मिला खाती है। करिश्मा सिंह, हाँ सुटन नहीं बोल, कैसे याद किया मेरे को? तुम घर पर हो?
हाँ हाँ मैं घर पर ही चाहिए, किधर जाएगी? तू बाहर से ताला मार के गई ना, तो अब मैं भूतनी तो है नहीं जो चली जाएगी, घर पर ही चाहिए। हाँ बस बहुत बढ़िया, हमारे यहाँ भी हमें डीएसपी सर के ऑफिस चल। तुम कुछ खा रही हो का? अरे भूख लग रहा था ना मेरे को, और मेरे को मुंबई की याद आ रही थी, तो मैं मस्त तो गर्मा गर्म बड़ा तल के खा रही हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, तैयार हो जाओ, हमें डीएसपी सर के ऑफिस चलना, हमारे यहाँ तुमको लेने, ठीक है? और उसके बाद फिर अमीनाबाद लेके चलेगी ना घूमने को, बोली थी तो मेरे को। तैयार रहो, मारे पहुंच रहे हमारे, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है ठीक है। सुनो तुम हमारा बात, हम तुम्हें आखिरी बार। मैडम सर, सॉरी 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 सॉरी, अरे कितना बड़ा ऑफिस है, इसमें तो आपकी धारा भी आएगी। हाँ ठीक है, हम डीएसपी सर के ऑफिस इसलिए जा रहे हैं ताकि हम उनसे अनुरोध कर सकें कि साइबर डिपार्टमेंट जो है उन पे दबाव डाले। हाँ, और ये बोलती बंद, सुनो हमारा बात, बोलती बंद केस में थोड़ा गति बढ़ाए, इससे ज्यादा हमें कोई और बकवास नहीं करनी है, इधर उधर का कोई रायता नहीं फैलाना जिससे उनको शक हो कि तुम हसीना मैडम नहीं हो, समझ रहे हो ना हमारी बात को? ठीक है। अरे लेकिन मैं क्या क्या याद रखने का, वैसे मादर ने मेरे को इतनी बड़ी स्पीच दी है याद रखने को, वो भी एकदम खल्लास उर्दू में। खालिस। हाँ वेरी गुड, अभी मैं वो भी याद रखूँ, ये तेरा सारा बातें भी याद रखूँ, क्या क्या करूँ मैं? तो तुमको जो वो 2000 रुपए रोज मिलते हैं वो तुम्हें वो पिट्ठू खेलने के लिए मिलते हैं, कुछ तो काम करोगी? आओ देख। ए चटक सा, नहीं पहली बात तो ये कि पिट्ठू नहीं लगोरी होता है, दूसरी बात ये कि वो बैठ के नहीं भाग के खेलते, और तीसरी बात ये कि एक बार बता दिया काहे के लिए रिपीट टेलीकास्ट करती, सब याद रहेगा मेरे को, टेंशन नहीं लेने का, संतुलन बना के रखने का। चल सुनो सुनो सुनो, एसएचओ हसीना मलिक जा रही है डीएसपी सर से मिलने। हाँ अभी बरोबर। साइबर पुलिस इतना तो जानने में कामयाब हो पाई है कि बोलती बंद ऐप का मास्टरमाइंड हमारे लखनऊ शहर से ही ऑपरेट कर रहा है, पर अब इसके आगे क्या? अभी तक पुलिस अपराधी को पहचानने में सफल नहीं हो पाई है, तो अब आगे आपका इस केस में किस तरह से कार्रवाई करने का प्लान है? हम सब जानते हैं और आप सब भी जानते हैं कि पुलिस की अपनी कार्यशैली होती है, अपने तौर तरीके होते हैं अपराधियों तक पहुंचने के। आशा है इस केस में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। पर कब तक श्रीमान, कब होगा ऐसा? जब बोलती बंद ऐप बहुत सी बहु बेटियों की अस्मत नील जाएगा तब? ये सुन, ये तेरा डीएसपी तो पहले से ही इतने प्रेशर में, अपन इस पे और प्रेशर डालेंगे ना तो इसका जो मटका है वो फूट ही जाएगा। मेरी बात मान, कट लेते इधर से, चल चल चुपचाप खड़ी रहो तुम। जी देखिए, इस केस पर हमने अपने बेस्ट ऑफिसर्स लगाए हुए हैं, वो बहुत मुस्तैदी से बहुत तेजी से इस केस पर काम कर रहे हैं। आपके बेस्ट ऑफिसर ने अभी तक इस केस में ऐसी कोई सफलता प्राप्त नहीं की है जिससे शहर को उन पर भरोसा हो जाए कि इस बोलती बंद ऐप का जो मास्टरमाइंड है ये पकड़ा जाएगा, तो फिर आप किस आधार पर कह सकते हैं कि हमें जल्दी कोई सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे? जबकि सब जानते हैं अपने 3 ऑफिसर्स की कार्य क्षमता से असंतुष्ट होकर आप उन्हें सस्पेंड कर दिया है, कौन इस केस को संभालेगा? कौन है ऐसा जिसके नाम पर आम जनता भरोसा कर सके? हम संभालेंगे सर। दिमाग खराब हो गया क्या? हम यहाँ प्रेशर देने आए हैं, लेने नहीं, तुम क्या बकवास कर रही हो ये? अरे झटक जाती, टेंशन लेने का नहीं, जब अपनी रेकड़ी में से किसी एक ही रेकड़ी पर भी रड़ा होता है ना तो सारे रेकड़ी वाले इकट्ठा हो जाते हैं। यही तो सीखी है मैं, अभी वो इतना प्रॉब्लम में है तो अपने को साथ देना चाहिए कि नहीं? टेंशन मत ले, अपन संभाल लेंगे मिलके। अगर ऐसा है तो शहर को निश्चिंत हो जाना चाहिए, क्योंकि हसीना मलिक की काबिलियत पर किसको संदेह हो सकता है? अगर इस केस को एसएचओ हसीना मलिक संभाल रही है तो हम सब उम्मीद कर सकते हैं कि बोलती बंद ऐप का मास्टरमाइंड बहुत जल्द कानून की गिरफ्त में होगा। हाँ हाँ बिल्कुल, आप लोग उम्मीद कर सकते हैं, अपराधी जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा, हमें पूरा भरोसा है हसीना मलिक पर। तो बोलती बंद ऐप के मास्टरमाइंड, अब ये केस हम सॉल्व कर रहे हैं, एसएचओ हसीना मलिक, महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ। अच्छा धन्यवाद, थैंक यू सर। थैंक यू सर। वैसे तो हम सब जानते हैं पर ये नहीं जानते थे कि आप भी इस केस में दिलचस्पी लेंगे, लेकिन एक बार फिर से सोच लीजिए। सोच लिया सर, हमारे अब्बू कहा करते थे कि
कुछ भी बोलने से पहले सोचना चाहिए और अगर बोल दिया तो फिर पीछे हटना नहीं। इसलिए बोल दिया है सर तो करके दिखाएंगे। जो भी इंसान इंसाफ से महरूम है, डंडी संभालो और अपनी भाषा भी संभालो। मरहूम नहीं, महरूम। एक ही तो बात है। एक ही बात कैसी है? एक ही बात कैसी है? हाँ। महरूम मतलब वंचित रहना और मरहूम मतलब लेट, दिवंगत, मर जाना। ए टकले, तेरे को इतना सब कैसे आता है? मैडम सर के साथ 2 साल रहा हूँ तो उनके संगत का असर है। चलो, जो इंसान इंसाफ से महरूम हो गए हैं। महरूम नहीं, तुम क्या बिल्कुल ही दिमाग से पैदल हो? हाँ, क्या बकबक करके आई हो तुम मीडिया के सामने? जो हुआ मुंह में आया बस वो फाड़ दिया मुंह से, ऐसे थोड़ी ना होता है। और यहाँ टाइम पास कर रही हो तुम? हाँ, ए चटक चंदी, क्या लगता है टाइम पास करिए मैं इधर? अरे कितना मेहनत करना पड़ता है मेरे को तुम्हारा ये सड़ेला स्पीच याद करने को। ये नुक्ता लगा लगा लग के ना मैं ही चुपता हो गई। नहीं करने का मेरे को, हटो। ए, क्या कर रही हो तुम? फाड़ो मत इसे, इतनी मेहनत से तो लिखवा के लिया है हमने। हाँ, स्पीच होने के बाद इसको फ्रेम करके पुष्पा जी अपने टेबल पे रखेंगे। ए भग, ना तो किसने कहा था आ बैल मुझे मार? हाँ, तुम करोगे केस सॉल्व, पूरा पूरा केस का जिम्मा अपने सर पे लेने के लिए किसने कहा था तुमको? हाँ, तू इस तो बोली ना मेरे को कि हसीना मलिक के जैसा बर्ताव करने का, उसके जैसा पेश आने का, तो मैं वही कर रही है। देखो, जितना मैं तुम्हारी हसीन दिलरुबा को समझी है ना, मलिक का वाटता कि वो हर किसी के फटे में हमेशा टांग अड़ाती, तो मैं भी वही किया। क्या गलत किया? आणि सांगा मला, तुम लोग इधर खड़े होके इधर सबसे सल्यूट बिल्यूट लेते हो, बड़ा बड़ा बातें करते हो कि हम औरत लोग की मदद करते हैं, उनको इंसाफ दिलाते हैं, तो करो ना उस औरत की मदद, दिलाओ ना उसको इंसाफ, पकड़ो उस हलकट को और डालो उसको एक टकले कौवे के साथ जेल में। माँ मेरा वीक कब आएगा? बक, सही बात है। नहीं नहीं नहीं, सही बात थोड़ी है, ऐसे थोड़ी ना इस केस में इंसाफ दिलाया जा सकता है। वही, ऐसे कैसे दिलाया जा सकता है जब उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है? इंसाफ तब दिलाया जाता है जब हमें अपराधी के बारे में कुछ पता होता है, कैसे दिखता है, कहाँ का लोकेशन है, कहाँ मिलेगा, यहाँ कोई इंटरनेट के पीछे छुप कर वो क्या खेला खेल रहा है, किसको कहाँ पता, कौन कैसे पहुँचेगा। अमा साइबर पुलिस वाले उस तक पहुँच नहीं पा रहे, संतु क्या उखाड़ेगी? ना उसके पास साधन भी तो होना चाहिए ना कुछ उखाड़ने के लिए। सस्ता सा लैपटॉप दिया हुआ है, वो कैसे हाईटेक वाले अपराधी तक पहुंचेगी, हमको तो कोई समझा दो। हाँ, और अपनी संतु है भी थोड़ी आधा पावली कम। हैं? मतलब? मंजे थोड़ी येड़ी। और तुम लोग के पीछे। सही कह रही हैं आप मैडम। क्योंकि मैंने भी कोशिश की लेकिन कुछ हो नहीं पाया, क्योंकि बहुत शातिर है वो लोग। हाँ, ये जो साइबर वर्ल्ड है ना, बहुत नॉलेज है इस बारे में इनको। और है ना, मतलब ऐसे कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो आप जो कह रही हो वो बिल्कुल सही है, हम ये केस सॉल्व नहीं कर सकते हैं। बोलती बंद ऐप के मास्टरमाइंड, तुम जहां भी हो, जहां भी छुप कर बैठे हो, हम तुम्हें तुम्हारे बिल से बाहर निकालेंगे और तुम्हारी बोलती बंद करेंगे। इसलिए तैयार रहो, तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। महिला पुलिस थाना आ रहा है तुम्हारा शटर बंद करने। सारे दिन आवारा गर्दी करते रहता है, न खाने का सोध न पीने का। हाँ, ये ले, मैंने तेरे पसंद के आलू मटर बनाए। वाह, गर्मा गर्म खा ले। ये वो थानेदार नहीं है ना, महिला पुलिस थाने वाली? अरे वो अपनी पड़ोसन है ना कौशल्या, वो बता रही थी कि थानेदारनी ने ना अपने थाने में कोई खास कार्यक्रम रखा है, खासकर शहर की महिलाओं के लिए 26 जनवरी के उपलक्ष्य में। आप जा रही हो क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाने वाली, मैं क्या करूंगी वहां जाकर, अब मेरा क्या काम? क्या कर रहा है, खाना ठंडा हो रहा है तो खा तो ले पहले। आपने खाया? नहीं, मैं बाद में खा लूंगी, तू पहले खा ले। आप खाइए, मुझे भूख नहीं लगी, मैं बाद में खा लूंगा, मैं आपके लिए पानी लेकर, ठीक है? अरे अच्छा, रिमोट तो देता जा, ये लीजिए और खाइए फटाफट। हाँ, मुझे चैलेंज दे रही हो हसीना मलिक, ओके, ऐसा है तो ऐसा सही, अब मैं तुम्हें दिखाता हूं मैं क्या चीज हूं। नमस्कार,
अभी मैडम सर आ रही है, उनको बताइए क्या दिक्कत है। अभी लीजिए, ले ले आ गई जी। कहिए। जब से हमें पता चला है कि इस बोलती बंद केस को हसीना मैडम देखेंगी, तब से हम औरतों को बहुत तसल्ली मिली है। इस ऐप की वजह से सारी महिलाएं, हमारी बेटियां, औरतें सभी बहुत ही डर रही हैं मैडम कि पता नहीं उनकी कौन सी फोटो इस बोलती बंद ऐप पर अपलोड कर दी जाए। अब आप ही हमारी आखिरी उम्मीद है मैडम। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। आज इस पुरकशिश, पुर असर, पुर नूर शाम में आप सभी का खैर मदद है। आप सबसे मिलकर हमें रूहानी तरीके से एक खुशी का एहसास महसूस हो रहा है। अरे मैडम सर, ये सब कुछ आज ही बोल देंगे कि कल के लिए भी कुछ रखेंगे आप। कल क्या है? आज ही 26 जनवरी के उपलक्ष में हम लोग के थाना ने एक विशेष कार्यक्रम रखा है। आप लोग भी आइएगा, आइएगा आप सब लोग आइएगा। तो ये कल भी यही बोलेंगे जो आज बोला इन्होंने? कल अलग स्पीच होगा, एकदम नया, तरो ताजा, फ्रेश। अच्छा, अब हम चलते हैं मैडम। चलो मैडम, अभी अभी बोलती बंद आपके तरफ से सोशल मीडिया पे एक मैसेज अपलोड हुआ है, ये देखिए। कल के खास कार्यक्रम के लिए एक खास संदेश मेरा भी। कल के कार्यक्रम में जो भी महिला भाग लेने आएंगी, मैं उसकी प्रोफाइल ढूंढ ढूंढ कर निकालूंगा, उसकी फोटोज उठाकर अपने ऐप पर अपलोड करूंगा और फिर कल ही मैं उन सबकी बोली लगाऊंगा। ये चैलेंज है मेरा, दम है तो कार्यक्रम करके दिखाओ। माफ कीजिए मैडम, हमें अपनी इज्जत बहुत प्यारी है, आपके कार्यक्रम में आके हमें अपनी बोली नहीं लगवानी है। कल तो क्या, हम आपके कार्यक्रम में कभी भी नहीं आएंगे। चलो 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 रे अम्मा, ये चलिए, चलो चलो। अरे इधर है, कब से मैं ढूंढ रही। माता रे आइटम, मेरे को फटाफट वो कल वाली नवीन स्पीच दे, मेरे को रट्टा मारने का है। मैंने नहीं याद किया ना तो फिर मैं तुम्हारी हसीन दुलबा का कचरा कर देगी। क्या करोगे तुम स्पीच लेकर, किसके सामने बोलोगी? खाली कुर्सियों के सामने? तुमको लगता है कमीने की ऐसी धमकी के बाद कोई भी लड़की कहलाएगी? पुष्पा जी, ये आप कैसी बात कर रही हैं? हम कैसे हार मान सकते हैं? नहीं, किसी ने धमकी दी और हम उनके धमकी में आ गए? नहीं पुष्पा जी, हम पुलिस है, हम उन औरतों को दिलासा दिलाएंगे, उन्हें विश्वास दिलाएंगे कि वो यहाँ आएंगी तो उनके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। संतु जी, हम ना आपके भावनाओं को समझते हैं, लेकिन सच्चाई से मुंह मोड़ लेना भी तो समझदारी नहीं है ना। वो याद नहीं है वो लकड़बग्गा का बोला है ना कि जो भी लड़की, जो भी औरत हम लोग के कार्यक्रम में आएगी, वो उन लोग का फोटो सोशल मीडिया से उठाकर अपने एप्लीकेशन बोलती बंद पर अपलोड कर देगा। वहाँ पर क्या होता है संतु जी, तो हम सब लोग को पता है। वहाँ पर उन लोग पर भद्दा मजाक किया जाएगा, वहाँ पर उन लोग पर बोली लगाया जाएगा, यही सब तो होगा। ऐसे में कौन औरत अपने इज्जत का खतरा मोल लेना चाहेगी? कौन औरत हम लोग के कार्यक्रम में ऐसे शरीक होना चाहेगी, आना चाहेगी? 4,000 रुपए एडवांस दिए कुर्सी वालों को। ना यार, तुम तो अलग लेवल पे बतिया देते हो। तुम दिए हो, तुम्हारा गया है? नहीं, माँ का गया है ना। कल कार्यक्रम होगा। हाँ, मुंबई में ऐसा ही होता है। जब भी वो गणपति उत्सव के टाइम पे वो पंडाल बिंडाल लगाते हैं रंगारंगी कार्यक्रम के लिए, तभी शुरुआत में कोई आता ही नहीं। पर जैसे ही सबको पता चलता है कि उर्मिला महादेव महात्रे आने वाली है, पंडाल फाड़ कर दी, खचा खच भर जाती पब्लिक। इतने से पंडाल में इतनी सारी भीड़, एकदम खचा खच घुस जाती अंदर ही। काय के लिए? खाली उर्मी मात्रे को देखने के लिए। ए सफेदी की चमकार, पब्लिक को कैसे बुलाने का ना मेरे को एक नंबर तरीके से आता है। टेंशन लेने का नहीं, संतुलन बना के रखने का। ए डकलिया सुन, वीडियो रिकॉर्डिंग तैयार कर, मैं अभी आई। माँ, मेरा वीक कब तक आएगा? हाँ आएगा। हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इन औरतों को हम कल के कार्यक्रम के लिए कैसे बुलाएं? क्या चल रहा है ये? तुम्हारे लिए हर चीज मजाक है क्या? हाँ, तुमको क्या लगता है कि 26 जनवरी जैसे राष्ट्रीय दिवस पर लोग यहाँ आएंगे तुम्हारा ये बेहुदा रंगीला, ये घटिया नाच देखने? मान बढ़ेगा हमारे थाने का ये सब दिखाकर? हाँ, अब कौन सी दुनिया में रहती हो तुम? तुम्हें अंदाजा भी है कि हम कितना मुश्किल घड़ी से निकल रहे हैं अभी? कितनी घटिया बात होगी हमारे थाने के लिए कि एक रात चलते किसी धमकी के वजह से डर के हम सब बेबस खड़े हैं यहाँ पे और हमारे सामने कोई नहीं आया है हमारे राष्ट्रीय दिवस पर।
यही फर्क है, यही फर्क है मैडम सर और तुम में उर्मिला। मैडम सर यहाँ होती ना आज नहीं आने देती हमारे थाने पर। आज तुम ये बात समझ पाती उर्मिला कि मैडम सर के लिए हमारा थाना गौरव था जिसे वो किसी हाल में झुकने नहीं देती थी। जैसे कि आप देख रहे हैं आज 26 जनवरी के शुभ अवसर पर महिला थाने वालों ने शहर की महिलाओं के लिए यहाँ महिला थाने में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया था। था इसलिए क्योंकि हमें लगता था ये कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा और इसकी गवाह है यहाँ छाया ये खाली सन्नाटा, ये खाली कुर्सियाँ। और इन खाली कुर्सियों की वजह है वो धमकी जो बोलती बंद ऐप की तरफ से शहर की महिलाओं को दी गई है। बोलती बंद ऐप ने कुछ किया हो या ना किया हो, लेकिन हाँ इस महिला थाने की बोलती जरूर बंद कर दी है। मुझे चैलेंज देकर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी हसीना मलिक। अब देखो मैं क्या करता हूँ। करिश्मा मैडम कहाँ है? वो नहीं आएंगे। अपने थाने के साथ ऐसा होते हुए वो कभी नहीं देख सकती। बोलती बंद ऐप वाले की धमकी के बाद हमको नहीं लगता महिला थाना के फंक्शन में कोई आएगा। क्या करे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो महिला थाने के असफल कार्यक्रम के बारे में आपका क्या कहना है हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह जी? ये कार्यक्रम तो अभी तक शुरू भी नहीं हुआ है और आप अभी से इसे असफल कार्यक्रम कह रही है। शुरू तो तब होगा ना पुष्पा जी, जब आपके कार्यक्रम में कोई आएगा। थोड़ा धैर्य रखिए ना, मतलब थोड़ा इत्मीनान रखिए ना। अभी आएंगे ना लोग, आते ही होंगे, रास्ते में होंगे। कोई नहीं आएगा और ये बात आप भी जानते हैं। आप लोग मान क्यों नहीं लेते ये ना सिर्फ केवल आपके महिला थाने की हार है बल्कि आपकी मैडम हसीना मलिक के उन जज्बातों वाले सिद्धांतों की भी बहुत बड़ी हार है। आप लोगों को हमेशा बहुत जल्दी रहती है ना, फैसला अभी तक हुआ भी नहीं, उससे पहले आप लोगों ने फैसला ले लिया। कार्यक्रम अभी तक कैंसिल नहीं हुआ है और जब तक कैंसिल नहीं हो जाता तब तक असफल भी नहीं है। देखिए आप थोड़ा इंतजार कीजिए, आएंगे लोग, आएंगे। कब तक इंतजार करना होगा? हाँ फ्लैग होस्टिंग का टाइम हो चुका है और कहाँ है आपकी SHO हसीना मलिक? अरे तुम यहाँ अंदर क्या कर रही हो? अरे माता री, अभी ब्यूटीफुल को और ब्यूटीफुल बनाने के लिए थोड़ा मेकअप करना पड़ेगा कि नहीं, उसकी तैयारी कर रही। मेकअप? यहाँ हम सब इतने परेशान हैं और तुम्हें मेकअप की पड़ी है? मक्का है। अरे इतने सारे लोग बाहर अपने को देखने वाले, थोड़ा प्रेजेंटेबल होने का कि नहीं? कोई नहीं देखने वाला तुम्हें बाहर, क्योंकि कोई आया ही नहीं है। काय देख लो अपनी आंखों से। ठीक है, टेंशन लेने का नहीं, संतुलन बना के रखने का। अभी क्या है ना, ज्यादा टेंशन लेगी ना आइटम तो तेरे मुंह पे वो आ जाएंगे ते कावड़िया छिपाए, झुर्रियां आ जाएंगी, इसलिए टेंशन मत ले और चल। अरे मेकअप का ना 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 बाहर मेकअप तू। हां तो आ गए हम, कहिए। और हसीना मैडम, आपके कार्यक्रम में अभी तक तो कोई आया नहीं, तो आप क्या कहना चाहेंगी? जितनी भी औरतें डायरेक्ट प्रसारण देख रही हैं, हम उन सब से कुछ कहना चाहते हैं और अगर करिश्मा सिंह भी इसे देख रही हैं तो और भी अच्छा। डर गली के कुत्ते की तरह होता है जो दूर खड़े होकर भौंकता है, डराता है, गुर्राता है। अगर उससे डर कर पीछे कदम हटा लो तो वो आप पर झपट्टा मारेगा, आपको और ज्यादा डराएगा, आपको काट लेगा। लेकिन अगर आप पत्थर उठा के उसका मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाए तो वो डर कर दुम दबा के भाग जाएगा। अब आप लोगों को ये तय करना है कि आप इस गली के कुत्ते से डरना चाहते हैं या फिर पत्थर उठा के उसका सामना करना चाहते हैं, इस कुत्ते को काटने का मौका देना चाहते हैं या फिर उसे ये बताना चाहते हैं कि हम आज की औरत हैं और किसी भी कुत्ते से कभी नहीं डरेंगे। जरूरत पड़ने पर हमारे देश के शूरवीरों ने अपनी जान देकर इस तिरंगे की रक्षा की है और इस बात का गवाह इतिहास है। जरूरत पड़ने पर हमारे इस तिरंगे ने भी अपने देशवासियों की सुरक्षा की है, जैसे कि ये आज करेगा। क्योंकि जब हम सब तिरंगे का रंग अपने चेहरे पर लगाएंगे तो कोई भी हमें पहचान नहीं पाएगा और ना ही हमारी फोटो उस ऐप पर अपलोड कर पाएगा। आज तिरंगा ही होगा हमारा मुहाफिज।
हमारी पहचान है। देखते हैं कि कौन हमसे हमारी पहचान छीनता है। आइए आइए हम साथ मिलकर इस तिरंगे को लहराएं, साथ मिलकर इसे सलामी दें, साथ मिलकर बता दें कि कोई हमारी बोलती बंद नहीं कर सकता। आइए माँ, ये तिरंगा आप कहाँ जा रही हो? अरे वही जाना चाहिए, महिला पुलिस थाना। पर माँ, वाह। तू चिंता मत कर, कुछ नहीं होगा मुझे, ठीक है? मैं आती हूँ। माँ नहीं, कुछ नहीं होगा। माँ को ये नहीं पता कि बोलती बंद ऐप के पीछे मैं ही हूँ। अगर उन्होंने मुझे महिला थाने पर देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी, मुझे कुछ करना होगा। क्या बात है हसीना मलिक? जय हिंद सर। जय हिंद। अभी तक कोई आया नहीं सर, बस आते ही होंगे थोड़ी देर में। ऐसा लगा जैसे साक्षात मैडम सर बोल रही हैं। वही जोशीले शब्द, वही देश के लिए जुनून। कमाल कर दिया तुमने उर्मिला मात्री। उर्मिला महादेव मात्री, क्या रे झटक जाननी, बहुत हल्के में लेती है मेरे को। रात भर बैठ के मेरे भाषण के वीडियो देखे, फिर जाकर मस्त स्पीच बनाई और चिपका डाली पब्लिक में। लगा तो तीर नहीं तो फटा पनीर। जाइए मैडम सर, झंडा फहराइए। जी हर साल की तरह इस बार भी जाइए और झंडा फहराइए। मैं? अरे हमेशा तो आप ही झंडा लहराती हैं, तो आज भी आपको ही लहराना पड़ेगा। जाइए। हम आप सबसे ये कहना चाहते हैं कि आज की स्पीच हमारी होनहार, सदाबहार और काबिले तारीफ पुलिस ऑफिसर करिश्मा सिंह देंगी। तालियां। तोपा हो गया तुम? हमसे नहीं होता ये सब। अरे होगा होगा, कॉन्फिडेंस से सब कुछ होता है। मेरे को थोड़ी ना आता है कुछ, फिर भी तो करती है मैं। चाचा होगा होगा। तालियां तालियां। चाचा जब हमने पुलिस फोर्स ज्वाइन किया था तब हमें ऐसा लगता था कि असली ताकत जो होती है वो यहाँ होती है। फिर कोई हमारी जिंदगी में आया और उसने हमें ये एहसास कराया कि असली ताकत यहाँ नहीं, असली ताकत यहाँ होती है। असली ताकत जज्बातों में होती है, आपके विचारों में होती है, आपके भावनाओं में होती है, आपकी सोच में होती है। एक ऐसी सोच
जो कुछ भी बदलने में दम रखती है, जैसे हमें। शुरू शुरू में बहुत झगड़ा हुआ, विचारों का मतभेद हुआ, फिर हमें समझ में आया कि वो हमारा अहम था। और जब अहंकार के बादल छटे, तब हमने देखा कि हम कितने ना समझ और कितने भटके हुए थे। इंसानियत से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है, जज्बातों से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है। अब हम सिर्फ यहां से सोचते हैं, किसी और के नक्शे कदम पर चल रहे हैं हम, और सच मानिए अब जाकर हमें ऐसा लगता है कि हम जो भी कर रहे हैं एकदम सही कर रहे हैं। मिशन के चलते हम आपको नहीं बता सकते कि आपकी मैडम सर आपके सामने हैं और उन्हें आप पर कितना नाज है। वो यहीं आसपास है करिश्मा सिंह, आपको छोड़कर कभी गई ही नहीं, कैसे जा सकती। मतलब इधर ही किधर खड़े होकर सुन रहे होगी ना हसीना मलिक तेरा ये स्पीच। आज आप सबने साबित कर दिया है कि देश के लिए अगर कुछ करना चाहो तो उसके लिए वर्दी पहनना जरूरी नहीं, क्योंकि देश का असली जज्बा होता है यह। आज ये सिर्फ हमारी नहीं, हम सब की जीत है, पूरे देश की जीत है। तैयार हो जाओ, बहुत जल्द हम उस तक पहुंचेंगे भी और उसे खींच कर उसके बिल से बाहर भी निकालेंगे। जय हिंद, जय हिंद, भारत माता की जय। देखा, यहां कोई भी तुमसे नहीं डरता। हम तुम्हारी बोलती बंद कर चुके हैं, हिम्मत है तो हमारी बोलती बंद करके दिखाओ। बात है उर्मी, क्या स्पीच दिया है तुमने, वैसे कहाँ से सीखे तुमने इतने अच्छे डायलॉग। मतलब तुम लोग को मेरी मेहनत की इज्जत नहीं है, रात भर बैठ के एक एक फिल्म स्टार का सारा देशभक्ति का स्पीच देख डाला, सारा डायलॉग रट डाला मैंने, तब जाकर निकला मेरे अंदर से इतना बड़ा देशभक्त। जो भी हो, फंक्शन अच्छे से हो गया और ये इम्पोर्टेंट है। ए, क्या रे चटक चंदी, तू काहे के लिए मुंह लटका के बैठी है। अरे केस को लेकर इतना मत परेशान होइए, वो सुलझ जाएगा और वो जो ऐप वाला लड़का है ना उसे हम पकड़ ही लेंगे। हम केस के बारे में नहीं सोच रहे पुष्पा जी, हम अनु भैया के बारे में सोच रहे हैं जो इस वक्त केबिन में है और हमारा इंतजार कर रहे हैं, और हमें नहीं मालूम कि हम उनका सामना कैसे करेंगे।
अनु भैया, अनुभव सर, जिन्होंने सही वक्त पे आके हमारा तिरंगा संभाल लिया था। हाँ हाँ, वो नहीं भी होता तो भी मैं पकड़ लेती। हट। ए, ये अनुभव भैया वही चे ना, तेरी हसीन दिलरुबा का आइटम। उसका एक्स बॉयफ्रेंड। क्या मस्त है रे, एकदम हीरो के जैसा। तुम लोग की हसीन दिलरुबा मैडम है तो बहुत किस्मत वाली। क्या मस्त हीरो जैसा लड़का मिला था उसको। और इधर एक मैं उर्मी, इधर तो चीटा भी भावने देता अपने को। हट। हाँ, और अनुभव सर भी नहीं देंगे क्योंकि वो सिर्फ मैडम सर से प्यार करते हैं। अरे रे 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 रे, इतना प्यार करता ही था तो सगाई तोड़ के लेकर गया। तुम चुप रहोगी? पुष्पा जी सुनिए, हमें लगता है कि हमें अनु भैया को सच्चाई बता देनी चाहिए। उनको बता देना चाहिए कि अब मैडम सर इस दुनिया में नहीं रही, और ये जो सामने है ये मैडम सर नहीं है, ये उर्मिला मात्र है। उनको बताना चाहिए ये बात। पुष्पा जी, क्या है ना पुष्पा जी, हम पूरा दुनिया से छुपा सकते हैं सच्चाई को, लेकिन अनु भैया से नहीं छुपा सकते हैं। उसे झूठ बोलने का हिम्मत ही नहीं है हमारे अंदर। जय हिंद अनु भैया। जय हिंद। कैसी हो बहना? सुनते रहते थे हम तुम्हारे बारे में, और हमें बहुत प्रसन्नता होती थी जब हमें यह पता चलता था कि समय के साथ साथ हमारी बहना और भी परिपक्व और भी बुद्धिमान होती जा रही है, और बहुत ही सूझबूझ के साथ अपना कर्तव्य निभा रही है, और इस बात की हमें बहुत खुशी है। कैसे हैं आप? ठीक हूं। हसीना जी कहाँ है? कुछ बताना है अनु भैया हमें आपको, जो बहुत जरूरी है। बात यह है कि हम यहां हैं। तुम आप यहां क्या कर रही हैं मैडम सर? हम यहां क्या कर रहे हैं? करिश्मा सिंह, ये हमारा केबिन है, आप यहाँ क्या कर रही हैं? हम बाहर जाइए। का? बाहर जाइए। कि मैडम सर, हम वो अपने अनुभव। करिश्मा सिंह, हमारे केबिन से बाहर जाइए। इट्स एन ऑर्डर। अगर आपको आपत्ति ना हो तो हम हसीना जी से एकांत में वार्तालाप कर सकते हैं। जी। क्या आप अपना संपूर्ण जीवन हमारे साथ व्यतीत करने के लिए तैयार हैं? अनुभव कहाँ है? आपको, सगाई को, शहर को, हम सबको छोड़कर हमेशा के लिए वो चले गए। जय हिंद हसीना जी। जय हिंद सर। कभी सोचा नहीं था कि भविष्य में फिर कभी आपको यूं साक्षात सामने देखेंगे। इस वक्त जो खुशी हमें हो रही है वो हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। मुझे भी हो रही है। मतलब हमें भी हो रही है। इतने दिनों बाद आपको देखकर अच्छा लग रहा है हमें भी। हमने आपके साथ जो किया वो क्षमा के योग्य नहीं है। फिर क्या किया? हम मानते हैं हम आपके गुनहगार हैं। बहुत चोट पहुंचाई है हमने आपके हृदय को। यूं ही आपको अकेला छोड़कर चले गए मसीना जी, सगाई पर भी नहीं आए। इससे बड़ी पीड़ा कोई किसी को कैसे पहुंचा सकता है?
उसका कुछ नहीं, उसका वांदा नहीं, मतलब धंधा है ना, ड्यूटी सबसे पहले, बाकी सब बाद में। वैसे भी अपनी खुशी से कौन किसी को छोड़कर जाता है, लोग तो सुबह सुबह रजाई भी नहीं छोड़ते, आपने सगाई छोड़ दी। हम आपका व्यंग समझ रहे हैं हसीना जी, समझ रहे हैं कि आप हमारा उपहास उड़ा रही हैं, और होना भी चाहिए। आपके साथ जो हमने किया उसके बावजूद भी, उससे पहले हम आपको कुछ बताना है जो बहुत जरूरी है और आपको पता होना चाहिए। क्या जरूरी बात करनी है करिश्मा सिंह? यह बात यह है कि हम बताते हैं। करिश्मा सिंह दरअसल ये कहना चाहती हैं कि फिलहाल हमारे पास एक बहुत ही जरूरी केस है जिस पर हम सबको फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये सारी पर्सनल बातें तो केस सॉल्व हो जाएगा उसके बाद भी हो सकती हैं। करिश्मा सिंह सही तो कह रही हैं, फर्ज पहले बाकी सब बाद में। दरअसल गलती हमारी है, हमें ये पूछना चाहिए था कि क्या ये समय निजी बातों के लिए अनुकूल है या नहीं। हम बस आए और शुरू हो गए। बख्शी सर ने कहा था कि हम किसी पे भरोसा नहीं कर सकते, इसलिए उर्मिला की बात भी हमें अनुभव से राज ही रखनी होगी। अब आप दोनों इस केस पर ध्यान दीजिएगा, हम आप दोनों से बाद में मिलते हैं। जय हिंद। जय हिंद। जय। का 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 तुम हर बात पे काहे टांग अड़ाती हो अपनी? हाँ, काहे नहीं हमको बताने दिया अनुभव भैया को कि तुम मैडम सर नहीं हो, तुम उर्मिला हो? अरे वो बेचारा आदमी तुम्हारा अनु भैया कितना प्यार से ऐसे आंखों में दिल निकाल के मेरे को देख रहा था, और तू उसको ये बताने वाली थी कि इसकी आइटम बट ले। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि जब अनु भैया को पता चलेगा इस बारे में तो क्या होगा। क्या होगा? जो हसीना डार्लिंग को रोमांस मिलता था वो अभी उर्मिला मात्रे को मिलेगा। काय को मेरी लव स्टोरी के बीच में टांग अड़ाती है। हेलो, हाँ जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद सर। हाँ हाँ सर, ओके सर, जय हिंद सर। अरे वो मटके डीएसपी का फोन था रे। क्या भाषा ये? हिंदी। अरे वो बोल रहा था कि कुछ तो उधर बहुत बड़ा भयंकर राड़ा बीड़ा हो गया है, तो बुलाया अपने को। हम तो चलो फिर। चलो चलो, उसको अकेला मत छोड़ना। हाँ नहीं छोड़ेगी। क्या कहा था तुमने? कली का कुत्ता दूर खड़ा होकर सिर्फ भौंकता है। सॉरी पर ये कुत्ता जरा दूसरी नस्ल का है, ये सिर्फ भौंकता ही नहीं है, काटता भी है। और जब ये कुत्ता काटता है तो इसके घाव का दर्द जिंदगी भर नहीं जाता, जैसे अब तुम्हारा नहीं जाएगा। दुनिया भर में तुम्हारी भी बोली लगा दी है मैंने, तो अब हिम्मत है तो मुझ तक पहुँच कर दिखाओ। हम सब जानते हैं हमारे शहर के अपराधी इतने निडर हो गए, उन्हें पुलिस का और कानून का कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। अरे आम जनता को तो छोड़िए, सीधे सीधे पुलिस को निशाना बना रहे। आप लोगों को चुनौती देने का मतलब जानती है? पुलिस विभाग को चुनौती देना, और ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ये हम नहीं जानते, लेकिन 24 घंटे के अंदर ये अपराधी पुलिस के गिरफ्त में होना चाहिए, नहीं तो मजबूरन आप लोगों को सस्पेंड करके इस केस पर किसी और को नियुक्त करना होगा। जा सकते हैं आप लोग। जय। संतु उठो। उठिए संतु जी, उठिए। मैं कब से सो रही हूँ पुष्पा जी, मैं सोई कब? हमारे पास टाइम कितना? शांत हो जाओ, हम तो कह रहे हैं थोड़ी देर आराम करो। हाँ। बिल्लू ने हमें बताया पूरी रात तुम लैपटॉप के सामने बैठी थी उस बोलती बंद ऐप वाले का सुराग ढूंढने के लिए। नहीं 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 पुष्पा जी, टाइम बिल्कुल भी नहीं हमारे पास, सिर्फ 24 घंटे हमारे पास, हमें उस ऐप वाले को पकड़ना है पुष्पा जी, नहीं तो डीएसपी सर हम सबको सस्पेंड कर देंगे। संतु जी आप कल से काम कर रही हैं, थोड़ा कुछ खा पी कर आराम कर लीजिए, उसके बाद काम कीजिएगा। तो एक काम कर, एक अदरक वाली गर्मा गर्म चाय लेकर आ, मेरा सर फट रहा है। ठीक है हम लेकर आते हैं। मेरे लिए भी। पुष्पा जी एक मिनट, ये देखिए। क्या है? ये बोलती बंद ऐप जैसा एक और नया ऐप है जिसमें मैडम सर की फोटो अपलोडेड है और उस पर बोली भी लगाई जा रही है। और ये देखिए मैसेज भी है इस पे, पढ़ो पढ़ो। आई सपोर्ट बोलती बंद ऐप, हसीना मलिक के साथ जो भी हुआ बिल्कुल ठीक हुआ, यही होना चाहिए था उसके साथ,
लो हसीना मलिक, अब तो मैंने भी तुम्हारी फोटो अपलोड कर दी, यहाँ भी धड़ल्ले से तुम्हारी बोली लगाई जा रही है, पकड़ सको तो मुझे पकड़ कर दिखाओ। Oh my God, यहाँ एक हाथ नहीं आ रहा है तो दूसरा पैदा हो गया। ये आदमी है या कुकुर मुर्दे? यार एक के साथ दूसरा एकदम फटक से आ गया। नहीं, मैं अपना बिल्लू निवास शेयर नहीं कर सकता। बिल्लू माँ, चुप करो, जाके पहले करिश्मा जी को बोल दो नहीं आपके बारे में, जाओ। यार हद है हद, मुसीबतें आती है तो चारों तरफ से आती है, एक को पकड़ना इतना मुश्किल हो गया था, अब ये दूसरा पता नहीं कहाँ से आ गया। मिल गया पुष्पा जी, ये दूसरा वाला मिल गया मुझे। पता चल गया कहाँ से, बताओ। एक मिनट, ये क्या है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है पुष्पा जी। क्या हुआ बताओ ना जल्दी। पुष्पा जी, ये दूसरा अपलोड जो हुआ है वो यहीं से हुआ है, मेरे लैपटॉप से। क्या? हाँ, मतलब ये देखिए आईपी एड्रेस मेरे लैपटॉप का ही है। ऐसा कैसे हो सकता है, किसने किया ये? संतु जी लीजिए चाय और इधर बिरयानी खा लीजिए, फिर आप इत्मीनान से काम कीजिएगा। नहीं कर सकते? कर सकते हैं हम सब कुछ कर सकते हैं, बोलिए तो क्या करना है। मेरी फोटो अपलोड हो गई क्या? बोली कहाँ तक पहुंची? नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं। तो फिर बचा कौन है पुष्पा जी? उर्मिला का है। हेलो, जय हिंद सर। सर माफ कीजिए, लेकिन हम ये नाटक अब और नहीं कर सकते, हम सच्चाई नहीं छुपा सकते। हम अपनी पूरी टीम को बताने वाले हैं कि हम हसीना मलिक ही हैं। हमने सभी को परख लिया है और श्योर है कि हमारी टीम में से कोई भी कल्प्रिट नहीं है। हम बस आपको इन्फॉर्म करना चाहते थे सर। मिशन की कामयाबी के इतने नजदीक पहुँच कर मैं तुम्हें कोई ऐसी बेवकूफी नहीं करने दूंगा। I'm sure. अभी जो इन्फॉर्मेशन हमारे हाथ लगी है उसे जानकर इस केस को लेकर तुम्हारा नजरिया बदल जाएगा। ये जो कुछ भी चल रहा है ना, ये मेरी तुम्हारी कल्पना के बहुत परे है। ऐसा कौन सा राज है सर? ये हम फोन पे डिस्कस नहीं कर सकते, मिलके बात करते। जी सर, जय हिंद। हाँ चटक चांदनी, बोल अभी क्या नया फटाका फोड़ने वाली है तू? क्या किया तुमने? तो पता चल गया। हम सबको पता है कि आपने क्या किया। कभी कभी तुम लोग पुलिस वालों का काम कर लेते हो। हम तुम्हारा ये ड्रामा, ये चोचलाबाजी का बात नहीं कर रहे हैं। ये क्या किया तुमने? तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ हसीना मैडम का फोटो अपलोड करने का? ये तुम्हारा ही करतूत है ना? हाँ हाँ, मिरेज करतूत है। करतूत, वेरी गुड। अभी देखो, थोड़ा जरा आंखें खोल के देखती ना फटाकड़ी, तो मालूम गिरता कि ये तुम्हारी पकाओ हसीना मैडम नहीं है। मैं उर्मिला महादेव मात्रे। अरे रुक जरा, देखते। ए, कितना बोली लगा रे मेरा। ए, हट, छे, एक ही लाख रुपए लगा। ए, क्या रे, कोई वैल्यू ही नहीं है, कम से कम 10 लाख का बोली लगा था, फालतू 1 लाख में भूखट इज्जत का फटाका गया। किसके कहने, तुमने किसका परमिशन लिया, तुमने किससे पूछा यहाँ पे तुम कौन हो? तुम हसीना मैडम की नकल कर रही हो, उनकी तरह बन रही हो, तो क्या हसीना मैडम समझने लगी हो खुद को तुम? पुलिस थाना है ये, गंभीरता समझो यहाँ की, यहाँ पे गलती का एक गुंजाइश नहीं होता है। तुमने किसी से भी पूछा इतना बड़ा कांड करने से पहले? संतु डिलीट करो। ए नहीं नहीं, रुक, अरे पहले डिलीट करने से पहले देख तो ले कि उसने जवाब क्या दिया ये बोलती बंद का, पहले वो तो चेक कर ले। जब देखो तब रुक गए, क्या जवाब आया देख। मैं तुम्हारे सपोर्ट में हूँ, मुझे अपना नंबर भेजो। मैंने नंबर भेज दिया। क्या टोपा हो क्या तुम? तुम्हें टाइम पास ही करना है तो जाके तुम्हारा वो लगोरी खेलो ना जाके। ये क्या टाइम पास कर रही हो तुम, जाओ जाके तुम खेलो। संतु डिलीट करो। नहीं नहीं, रुको, एक सेकंड, डिलीट कर देना जब तुम्हारा मन करे, उसके पहले देख लेते हैं उसने क्या। हे भग, एक ही मंजिल के राही हमेशा दोस्त होते हैं, हमें मिलकर काम करना चाहिए ताकि हसीना मलिक और उसके महिला थाने को ऐसा सबक मिले जिसे वो याद रखे। देखा? नहीं, एक मिनट, अपने ही फोन से मैसेज, मतलब हमारे पास उसका नंबर है, हम ट्रैक कर सकते हैं कि वो एग्जैक्टली है कहाँ। अरे मेरी सफेदी की चमकार, क्या
मस्त ट्यूबलाइट है। अभी समझा तुम लोग को कि ये सब मैंने काय के लिए किया। अरे इतने टाइम से अपन ये बोलती बन के मास्टरमाइंड के ढूंढने के पीछे लगे, देखना अभी अपन उस तक पहुंच सकते है। मतलब ब्रिलियंट हो आप, इतने टाइम से वो साइबर सेल वाले कोशिश कर रहे लेकिन कुछ नहीं कर पाए, लेकिन आपने इतने इजीली ट्रैप कर लिया। इतना आसान से केस सॉल्व, गजब गजब है गजब। देखा, मैं बोली तेरे को मैं बहुत इंटेलिजेंट है, तू ही मेरे को भाव नहीं देता रे। सॉरी बोलेगी ना तू? किस बात के लिए? अरे काशी आए ही, छोड़ जाने दे मेरे को, मालूम है सोरू बीरी तेरे से होएगा नहीं, बहुत ईगो है ना तेरे में। चल शाबाशी दे दे मेरे को, क्या मस्त काम किया है मैं। सॉरी तो बोलना है, बोल दो ना मैडम, तुम बोल दो। मैं वो नंबर की लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश करती हूँ। नहीं नहीं नहीं, तू बहुत मुश्किल से कबूतर हमारे झांसे में आए हैं, हम नहीं चाहते हमारे जंगल से बाहर निकले, तुम समझ रही हो? तुम उसको रिप्लाई करो, तुम उसको लिखो कि हमें मिलकर काम करना चाहिए। एकदम सही कहा आपने। रिप्लाई आ गया मैडम। का 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 पूछ रहा है कि कहाँ मिल सकते हैं। अब फंसा ना ये कबूतर हमारे जाल में। अब नहीं बच पाएगा ये जो कोई भी है बोलती बंद ऐप के पीछे। मिल गया वो टोपा इंसान, अब हम उसको ऐसा सबक सिखाएंगे ना कि जब भी मुंह खोलेगा एक ही बात बोलेगा, दरोगा जी देखे तो बहुत मगर तुमसा ना देखा। महिला पुलिस थाना जनपद लोक। जय हिंद सर। डीएसपी सर, हाँ हाँ वो फाइल हमने बना के रखी है, हम अभी हाँ डिटेल्स देते हैं आपको। जज्बात विद्वात से केस सॉल्व करने का है ना, तू कर बिंदास, कोई टेंशन नहीं। मेरे को ना खाली आजू बाजू रहने दे। क्या है ना, मेरा बचपन से ना एक बहुत इम्पोर्टेंट सपना रहा है कि ऐसा दुश्मन की कनपटी पे बंदूक रखने का और बोलने का, चुपचाप खुद को पुलिस के हवाले कर दो वरना हम तुम्हें भून डालेंगे। और फिर ऐसा प्लीज मेरे को चलने दे, प्लीज प्लीज प्लीज। नहीं, इस बार केस जज्बातों से सॉल्व नहीं होगा, इस बार हम अपने तरीका से निपटेंगे इनसे। इनकी बोतल में बंद करने वाले भूत नहीं है, इनको मुक्ति मिलना चाहिए। इन्होंने मैडम सर पे बोली लगाया ना, इनका बोली हमेशा के लिए बंद करेंगे हम, इनके सीने में दो गोली एक्स्ट्रा दागेंगे कि मैं आका। अभी है क्या कर रही है उर्मी? ए रुक 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 रुक, मेरे को भी चलने का प्लीज। तुमको मना किया ना, तुम जाओ अंदर। अरे ये केस के लिए लीड तो मैं लेके आने, तो मैं तो चलेगी ना। करिश्मा सिंह हम साथ चल रहे हैं, दैट्स एन ऑर्डर। का ये नौटंकी तुम्हारा कोई नहीं देख रहा अभी, समझी? और अभी साक्षात हसीना मैडम भी हमारे सामने आ जाएंगी ना, तो हम उनका बात भी नहीं मानेंगे, क्योंकि ये केस हमें अपने तरीका से निपटाना, समझ में आया? अब जाओ अंदर। चलो तुम क्या किसका राह देख रही, चलो ना। अरे अगर करिश्मा सिंह से गुस्से में आकर कुछ उल्टा सीधा हो गया तो? नहीं नहीं, इस स्टेज पर आकर करिश्मा सिंह जब इतने सही रास्ते पर है, इनसे कुछ गलत काम नहीं होना चाहिए, हमें इन्हें रोकना होगा। मुझे तो लग रहा है शायद उसे पता चल गया है मैडम, तभी वो आ नहीं रहा, हम यहीं पे रुकते हैं। मैडम जिस तरीके से हम लोग उसका इंतजार यहाँ पर कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि कहीं और ग्रुप बांध कर हम लोग का इंतजार कर रहा हो? हाँ मैडम, उसके पास हथियार उथियार हुआ तो? तो हम खाली आता है, हमारे पास बंदूक नहीं है। हमारे पास टेंशन मत लीजिए, आपके लिए तो हम हैं। आप देख लीजिए इसका क्या करना है। ना, ना, ना। वाकई बच्चा है बे? ला के पूछ ले मैडम। नहीं 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 नहीं, अम्मा कॉल लगाओ ना। हाँ,
नहीं। हेलो 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 अरे संतु जी मैडम मिशन खत्म कीजिए, एम्बुलेंस बुलाइए, चोट लग गया। रुको तुम। संतु जी हॉस्पिटल चलिए। नहीं रुक रुक। संतु जी अगर आप ठीक तो हैं? मेरे पैर। कहाँ भाग रही हो? कहाँ? ये करिश्मा सिंह का गिरफ्त है, समझे? अच्छे अच्छे नहीं छूट पाते ऐसे, तुम कहाँ छूटोगे? करिश्मा सिंह गई तो है बोलती बंद ऐप के मास्टरमाइंड को पकड़ने, लेकिन अगर गुस्से में उन्होंने कोई गलत कदम उठा लिया तो हमें बहुत बड़ी कीमत देनी पड़ सकती है। हमें ही कुछ करना होगा। आईचा गावत बड़ा पावत। क्या हुआ? ए, बहुत बड़ा लोचा हो गया माता री। आइटम बहुत बड़ा लोचा हो गया। अरे तुम्हारी वो अरे रानी मर्दानी गई है ना विलन को टपकाने के लिए। हाँ तो? अरे तो मैं उसका क्या, मैं बर्बाद हो जाएगी ना उसमें। कैसे? अभी रुको मैं कनेक्शन बैठाती है। वो रानी मर्दानी गई है, वो जाके विलन को टपकाएगी। विलन को टपकाने के बाद अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो तुम लोग पे वो बैठती है ना वो जो सरकार बैठाती है वो इंक्वायरी। इंक्वायरी बैठेगी तुम लोग पे। इंक्वायरी बैठेगी तो थाना बंद हो जाएगा। थाना बंद हो जाएगा तो मैं आउट हो जाएगी। मैं आउट हो जाएगी तो मेरे को दिन के 2000 मिलना बंद हो जाएंगे ना। और तेरी बहुरानी जेल में जाएगी वो अलग। करिश्मा जी जेल जाएंगी? छे 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 कितनी निर्लज्ज है रे तू। किसी को पड़ी नहीं है मेरे इधर, इतना मेहनत कर रही है मैं, किसी को कदर नहीं है। तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ नहीं, हमारी बात तो सुन लो। मैं सही समझ रही है कि गलत समझ रही है? तू मेरी बात ध्यान से सुन और जाकर रोक अपनी बहुरानी को कैसे भी, नहीं तो वो जाएगी जेल में और मैं जाएगी रेल में सीधा मुंबई। अरे हम कैसे रोके, जब गुस्से में रहते ना वो किसी की नहीं सुनती। हाँ नॉर्मल होती तो भी आपकी कहाँ सुनती है। अच्छा नहीं लेकिन मला एक सांगा कि वो तुम्हारी हसीन दिलरुबा जब भी थी वो उसकी भी नहीं सुनती थी क्या? नहीं नहीं उनकी हर बात सुनती थी वो। अच्छा कैसे? कैसे मतलब उनकी शब्दों में समझा नहीं सकते तुमको और याद भी नहीं आ रहा है। उम्र हो गई है। ए तू बता रे क्या करती थी हसीन दिलरुबा, कैसे पटाती थी? प्रवचन देखी। प्रवचन मतलब कान में ऐसा ज्ञान मंत्र फूंकती थी और कहती थी, तजुर्बा कहता है हमारा, वक्त की धार, दो टके की तलवार, दुश्मन को खंजर से नहीं बंदर से मारा जाता है, ऐसा ही कुछ बोलती थी। अच्छा ऐसा फालतू का बकवास बोल के हसीना मैडम करिश्मा मैडम को शांत करती थी क्या? लेकिन आप क्यों इतना दांत पीस रही है? मेरे दांत ही ऐसे। अच्छा छोड़ो जाने दो तुम लोग फालतू के लोगों में ही कुछ सोचती है। हसीना मलिक के भूत अगर तुम यहाँ हो तो सुनो मेरे दिल की पुकार, मेरे दर्द की गुहार, और दो कोई मुझे मस्त वाला आइडिया करिश्मा मैडम को शांत करने का। दो हसीना मलिक दो। मैडम से आइडिया आ गई मेरे को। रुको सुन 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 आगे भी तो बता प्लान। इसके आगे तो मेरे को ही नहीं मालूम। अरे इतना तो करते हैं पहले फिर उधर देखेंगे ना क्या करने का आएगा। ठीक है फिर हम निकलते हैं। हाँ रख लिया। अभी तू सुन। माँ मेरा भी कब आएगा? माँ तू इधर आ रहा है कि मैं उधर आऊँ? ओके वाव नहीं प्लान फेल नहीं होना चाहिए। कर लगा आई तो लड़कियों का बोली लगाते हो तुम। हाँ लड़कियों की इज्जत के साथ खेलते हो तुम। तुम्हें को बहुत मजा आता है ना? अब तुम्हारा बोली हम लगाएंगे और तब तक लगाएंगे जब तक तुम्हारा खाल नहीं उधड़ जाता है, और तमाशा बनाएंगे पूरा दुनिया के सामने ताकि तुमको पता चले कि जब तुम लड़कियों का तमाशा बनाते हो पूरी दुनिया के सामने तो उन पे कब बीतता होगा, समझे?
लगा बोली। मैं तो चाहता हूँ कि तुम लोगों को पता चले कि बोली लगाने का मजा क्या है, नशा क्या है, किसी जीते जागते इंसान को खरीदने का। और अगर वो इंसान एक औरत हो तो मजा डबल। डबल मजा तो तुम्हें हाँ, औरतों के साथ ऐसा घटिया खेल खेलते हो, तुम्हें शर्म भी नहीं आती? बिल्कुल शर्म नहीं आती। क्या? क्योंकि औरत इसी लायक होती है, कभी रिश्तों के नाम पर, कभी हमदर्दी के नाम पर, कभी दोस्ती के और कभी झूठे प्यार के नाम पर, ये औरत ना अपना वुमन कार्ड खेलती है। बहुत ज्यादा दिलजला आशिक लग रहा है तुम ना, तुम्हारा ये विकृत विचार तुम्हारा विकृत मानसिकता के बारे में बता रहा है। मानसिकता सिर्फ दो वजह से होता है बाबू, एक तो परिस्थिति की वजह से, दूसरा परवरिश की वजह से। परवरिश के लिए हम किसी को दोष नहीं देते, लेकिन तुम्हारा परिस्थिति ही बताता है कोई औरत कभी ना कभी तुम्हारे जिंदगी में तुम्हारे साथ कभी बहुत ज्यादा खराब की है ना बाबू। उसी के बाद तुमको दुनिया के सभी औरतों में वही औरत दिखती है जो तुम्हारे साथ खराब की है, इसीलिए तुम घर से निकल गए अपना बुढ़िया बिस्तर बांध के झोला लेकर सबसे बदला लेने के लिए। और अगर ऐसा सोचता है ना बाबू तेरे को बात जान लो, ये तुम्हारा गलत फहमी है, सारा औरत ऐसा नहीं होती है मर्दे, ऐसी ही होती है। ये देख रही हो, मासूम सी, ये इनोसेंट, ये शराफत की पुतलिया, ये एक जैसी ही होती है, लेकिन अंदर से लालची, ये अपॉर्चुनिस्ट होती है। अपॉर्चुनिस्ट, पैसे का नाम ले लो, दे ऑल आर गोल्ड डिगर्स। ये ऐसे नहीं मानेगा, भागो भागो वरना यही गोली दाग के ना तुम्हारा खोपड़ा खील खील कर देंगे, समझे? भागो। मैडम आप सच में इसका खोपड़ा खोल लेंगी क्या? सच में एनकाउंटर कर रही हैं आप मैडम? ये गलत है मैडम। यार राहुला, बैठ जा। अरे भाई साहब, अब खो खो कहाँ लेकर जा रहे हो और मुझे क्यों बचाया? ये डोंट अंडरएस्टिमेट, आई एम अ कॉन्फिडेंट नॉट अ वर, दैट्स व्हाई माय नेम अ गेंदा फ्लावर। मैंने हसीना मलिक का फोटो तेरे ऐप पे डाउनलोड किया, अपलोड किया, पर मैंने सोचा हम एक साथ मिलकर काम करेगा, इसको तुमको फोन करके इधर बुलाया, लेकिन ये अपना मीटिंग लीक कैसे हुआ मालूम नहीं, पुलिस कैसे आया मालूम नहीं, लेकिन ब्रदर यू डोंट वरी, ये गेंदा फ्लावर विद पावर, ये तुमको कोई नहीं छू पाएगा, ऐसा उड़न छू करके ले जाएगा अपना ऑटो में, या पावर। थैंक यू ब्रदर। एक मिनट, कॉल रिसीव्ड, हेलो गेंदा फ्लावर हियर। अरे टकलिया, दबोच लिया परिंदे को? यस। अरे वाह वाह, तू तो काम का है रे गुलाब जामुन। गुलाब जामुन? अभी ककन का दही मुझ पे जम जाता, वो करिश्मा मैडम धैंग्र के गोली छोड़ी। अच्छा अच्छा, छोड़ छोड़, टेंशन लेने का नहीं, संतुलन बना के रखने का। अभी मैं जो बोल रही हूँ वो कान खोल के सुन। ता? ओके ओके, गेंदा फ्लावर और फोन गट्टा। क्या मुसीबत है यार, कहाँ से पड़ गया बैठे बेटा ये पुलिस का पंगा यार, पकड़े तो नहीं जाएंगे ना? ये ब्रदर डोंट वरी, द गेंदा फ्लावर विद इज अ पावर, तुमको ऐसी जगह पहुंचाएगा तुम्हारा तबीयत एकदम बाग बाग खुश हो जाएगा। तू ऐसे कहाँ लेकर जा रहे हो? ब्रदर ऐसी जगह उधर हवा में बोली नहीं होता, एकदम आमने सामने फेस टू फेस लाइव बोली होता, उधर लेके जाता तुमको। लाइव?
चली जी। हाँ यहीं पे औरतों की नीलामी होने वाली जी। अरे पुष्पा जी, अरे आप खुद एक औरत हैं, ऊपर से आप पुलिस वाली हैं और ऊपर से आप इतनी खूबसूरत हैं, बाखुदा। अरे हमें आपसे ऐसी उम्मीद हरगिज नहीं थी भाई। नवाब साहब, ये सब नकली है, नकली बोली, नकली लोग, सब नकली। एक मुजरिम को पकड़ने के लिए हमने ये जाल बिछा के रखा है और उसमें हमें आपकी मदद की जरूरत है। अरे लेकिन हम क्यों? क्योंकि आप पे कोई शक नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आप शक्ल से लगते हैं। सलाम वालेकुम नवाब साहब। वालेकुम सलाम। आप दोनों कौन? अरे हमें पहचान नहीं। हम इकबाल, इकबाल द बिजनेस टाइकून ऑफ बिरयानी वर्ल्ड। ये दोनों मनहूसों को यहाँ आपने क्यों बुलाया? पुष्पा जी, हमने कोट पैंट पहनने के बावजूद भी मुंह पे बेइज्जती कर रहे हैं। अरे अरे रुको 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 तुम दोनों। अच्छा पुष्पा जी, नवाब साहब, आप जो करने के लिए आए हैं वो कीजिए ना। अरे तो वही तो कर रहे हैं पुष्पा जी। का? मदद मदद करने के लिए आए हैं ना आप? हाँ। तो सिर्फ मदद कीजिए हमारी। जी जी, जी। हाँ। बिल्लू उस लड़के को लेकर आता ही होगा। लेफ्ट 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 क्या नवाब साहब भी एक मिनट। हाँ बोलो बोलो। क्या इस तरह? हाँ बोलिए जी, बोलिए। अच्छा मेरे को बताओ, वो अटक लगा हुआ पहुंचा क्या उधर? नहीं ना, अभी तक नहीं आया वो। हम भी कब से उसका इंतजार कर रहे, पता नहीं कहाँ अटक गया है। अच्छा मेरे को भी आने में थोड़ा टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा? 2-4 महीने में पता चलेगा तो बताएंगे। रख फोन। होप कि राहुल को बिल्लू पर शक ना हो जाए, वरना बना बनाया प्लान फेल हो जाएगा। और आगे जाके वो रुक चुका है। कहाँ संतु, कहाँ? सीधा लेके पहला राइट चीजें, थोड़ा सा आगे वो वहीं पर है। राइट लो। ये देखिए मैडम, इतना चालू निकला ये अपना फोन यहाँ छोड़ कर गया है। अब कितनी देर हमें इंतजार करना पड़ेगा? अरे कहाँ है वो आपका जला हुआ वो कबाब? अरे वो कब आएगा, कब वो प्लान होगा और कब हम जो नीलामी की बोरी लगाएंगे? हाँ पुष्पा जी, देखिए यहाँ बोरी लगाने के लिए आप बिठा रखा है, दुकान पे हम किसी और को बिठा के हैं, नुकसान हो रहा है। अमा भक्त, हम कुछ बोल नहीं रहे तो हमारे सर पे चढ़ के नाच रहे दोनों। बैठो। और नवाब साहब, आप? पुष्पा जी बस थोड़ी देर और, बिल्लू आता ही होगा। बिल्लू का मैसेज, आप लोग तैयार हो जाएंगे नाटक के लिए? हाँ। यार राहुल गुरु कम, ये देखो बोलती बंदा लाइव ऑक्शन इधर ही। यह बोली के लिए एकदम बड़ा बड़ा लोग इधर बुलाया, अब ये बोली लगाएगा। क्या बात कर रहे हो आप, यहाँ लाइव बोली लगेगी? You don't underestimate to me. I am confident and not over. That's why my name is Genda Flower. Genda Flower जी, नीलामी लगेगी किसकी? यहाँ लड़की का है बोली लगाने के लिए। उर्मिला कहाँ रह गई? वक्त भी नहीं है हमारे पास, अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। Patience, ये देखो नीलामी के लिए आ गई औरत, लड़की। जाओ फटाफट बैठो। अरे मियां, अरे पुष्पा जी पर बोली लगाने के लिए ना अपना खानदानी शाही हुक्का हमने गिरवी रख देते। ये फटाफट बोली शुरू करता है, नो टाइम पास, बोली लगा। 1000। ये नल्ला, इसको उठा के नल्ला में फेंक दो। 1000 11 बोली लगाता तू। 2000। 2001 का तुम लोगों ने अपनी औकात दिखा दी ना। 10000। कहाँ है ये महारानी, हमारे बिक जाने के बाद आएगी क्या? 15000। 50000, और ये माल हमारा होगा।
ये देखो सुपर ऑफर धमाका, एक लड़की के ऊपर औरत फ्री। अब आ रही है महारानी। अब फिर से बोली लगाओ। ए तुम चिल्लर नहीं है, राउंड फिगर लग रहे हैं। ओके ब्रो, 60,000। 60,000 एक। 70,000। 80,000। 1,00,000। 1,15,000। 1,00,000। अरे 1,00,000 नवाब साहब। आप एक करोड़ के ऊपर बोली बंद। ये बोली नवाब साहब जीत गए। नवाब साहब ये माल आपका हो गया। तालियां बजा रहे नवाब साहब के लिए। ये मोहतरमा हमारी हुई और तुम बुरके वाली मोहतरमा को लेके जाओ। आओ अब जिन्हें हम ले जा रहे हैं, एक बार नकाब हटा के चेहरा तो दिखा दीजिए। आप यहाँ क्या कर रहे हो? आपको किसने लाया यहाँ पर? किसने लाया मेरी माँ को यहाँ पर? मेरी माँ को किसी ने भी छुआ ना, फाड़ कर रख दूंगा मैं। मुझे किसी ने नहीं बुलाया, मैं खुद आई हूँ यहाँ पे मेरा असली और घिनौना चेहरा देखने। औरतों की नीलामी करता है तू? हाँ ये भी भूल गया कि तुझे पैदा करने वाली भी एक औरत है, जो तुम्हें राखी बांधती है वो बहन भी एक औरत है, और जब तेरे घर में कोई बेटी पैदा होगी ना तो वो भी एक औरत ही होगी। क्या हुआ राहुल? जब बात अपनी माँ पर बनाई तो तुम इतना तड़प उठे, और ऐसे तो तुम पूरी दुनिया में आग लगाने वाले थे। ये ऊपर स्काई नीचे बिल्लू द स्पाई। अब समझ में आया कि जिन औरतों की, जिन लड़कियों की तुम ऑनलाइन ऐप पर नीलामी लगाते हो, उनके घर वालों पर क्या बीतती होगी। वो भी किसी की माँ है, किसी की बेटी है, किसी की बहन है। ये दर्द, ये गुस्सा, ये आक्रोश जो तुम इस वक्त महसूस कर रहे हो, यही उनके घर वालों को हर रोज महसूस होता होगा तुम्हारी वजह से। इसीलिए हमें ये सारा नाटक करना पड़ा, ताकि हम तुम्हारे अंदर का भाई, तुम्हारे अंदर का बेटा जगा सके। औरत की इज्जत करना सीखो बेटा, क्योंकि सृष्टि को आगे चलाने के लिए भी ऊपर वाले ने औरत को ही चुना है। हाँ कभी कभी औरत के अंदर का इंसान सही गलत हो सकता है, मगर उसका स्वरूप और उसका वजूद कभी गलत नहीं हो सकता। इसीलिए किसी एक औरत की गलती के लिए पूरी स्त्री प्रजाति को तुम गलत मत समझो। मुझे माफ कर दे माँ। जो सजा देनी है दे दीजिए, ले जाइए। इस राहुल के बच्चे को नहीं छोड़ेंगे, और उस इंसान को भी पकड़ेंगे जिसने उसको पकाया हमारी आंखों के सामने। हवाई जहाज बनाएंगे ना तुम दोनों, देखना इनकी मैया का। चल झगड़े। अरे ये कहां मिला? हुआ ऐसा कि मैं और तेरी सासू माँ गए मस्त चाट खाने को। अरे शांत, नहीं मारेगी, मैं है ना उधर। वहां जाकर पता चला कि अरे क्या, कितनी अच्छी चाट मिलती है यहाँ। 5 प्लेट तो अकेले ही खा गई। अम्मा मुद्दे पे रहोगी तुम? मुद्दा बोले तो पॉइंट। मैडम आप मेन पॉइंट पर आएंगी? मेन बात। अच्छा 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 अच्छा, तो मेन बात फिर ये है कि
हम चाट खा रहे थे, चाट खाते खाते ये नूडल की दुकान वहां पर आए और बोले कि बहुत पछतावा हो रहा है, हम चाहते हैं कि कानून हमें सजा दे, हम मैं जेल में जाना चाहता हूँ, और ऐसे बोल के वो रोने लग गया। ये रो रहा था? हाँ। अच्छा। हाँ मैडम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मैडम, मुझे माफ कर दो मैडम। मैं बहुत ज्यादा ना मिसगाइडेड हो गया था मैडम। मैं क्या करता मुझे समझ भी नहीं आ रहा था। मैं नहीं जानता था कि जो मैं कर रहा हूँ ना वो इतना गलत है। मैं ये भी नहीं जानता था जो दूसरों का घर जलाता है ना उसका खुद घर जल जाता है। मुझे ना मेरी भूल पता चल गई मैडम, मुझे माफ कर दो मैडम, मुझे माफ कर दो। का? क्या? नहीं मतलब एक मिनट, हमको समझ में नहीं आ रहा है। आज तक जो लड़कियों की इज्जत को इज्जत नहीं समझता था, आज हमारे सामने खड़ा है और हमसे माफी मांग रहा है। नहीं मतलब ऐसा आसमान से ज्ञान प्रकट हो गया जिसने इस जड़ बुद्धि के ज्ञान चक्षु खोल दिए, ऐसा हृदय परिवर्तन? नहीं हमको समझ में नहीं आ रहा है। पुष्पा जी समझाइए कैसे हुआ ये हृदय परिवर्तन? अब हर चीज यही समझा रही है आपको, तो ये बात भी वही समझाएंगी। समझाइए अभी हृदय परिवर्तन कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, उससे क्या फर्क पड़ता है ना? अरे केस सॉल्व हुआ ना, वही मुद्दा पकड़ के रख। जय हिंद हसीना जी। जय हिंद। केस की तो समाप्ति हो गई, अब क्या हम आपसे अकेले में वार्तालाप कर सकते हैं? क्या बात हो सकती है, कहीं ने हमारे मिशन के बारे में पता तो नहीं चल गया? फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।